बहराइच में बीते कई दिनों से लगातार भेड़िया प्रशासन वन कर्मियों और पुलिस को छका रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को डर सता रहा है कि उनके बच्चे कब तक सुरक्षित होंगे। दरअसल भेड़िए को पकड़ने के लिए प्रशासन की बेशुमार तैयारियां हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और तमाम विभाग कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं। हरिबक्सपुरवा गांव के आसपास कछार में लगातार भेड़िए की तलाश जारी है। एक भेड़िया यहां से पकड़ा भी गया है। इसके बाद अब हमले की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जैसे जैसे इनका ग्रुप कम होता रहता है वैसे ही भेड़िए और खूंखार हो जाते हैं। भेड़ियों की चालाकी से वन विभाग पूरी तरह थक गया है। दरअसल ये भेड़िए न सिर्फ झुंड में चलते हैं बल्कि झुंड में चलना, शिकार करना इन्हें पसंद आता है। लेकिन अगर इनके झुंड में लोग कम होते रहते हैं तो इनको आशंका हो जाती है कि कोई इनके पीछे पड़ा है और फिर ये ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं। लेकिन इन भेड़ियों के कुनबे को पकड़ने के लिए लगातार प्रशासन आगे आ रहा है। लेकिन ज्यों ज्यों ये पकड़े जा रहे हैं त्यों त्यों चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और बाकी बचे अब ज़्यादा खूंखार होकर आसपास घूम रहे हैं। आपको बता दें कि वन विभाग ने उन्हें पकड़ने के लिए न सिर्फ जाल बिछाया है बल्कि कड़ी मशक्कत के बाद अब तक 2 मादा और 1 नर भेड़िया पकड़ा गया है। वन विभाग का दावा है कि ये मादा भेड़िया ज़्यादा खूंखार हैं, ये ही ज़्यादातर बच्चों को शिकार बना रही थी जिनको पकड़ा गया है। लेकिन अब जो 2 पकड़े जाने बाकी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि हो न हो इनमें से 1 मादा है जो कि अभी भी फरार है क्योंकि वन वैज्ञानिकों का मानना है कि मादा भेड़िया ज़्यादा खूंखार होती है। आपको बता दें कि कल पकड़े गए भेड़िए को वन विभाग पिंजरे में कैद करके एक सुरक्षित जगह ले गया है। वनकर्मी इसे रेंज कार्यालय ले गए। भेड़िए के पकड़े जाने के बाद से वनकर्मियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उन्हें न सिर्फ बधाई दी बल्कि राहत की सांस भी ली है। बहराइच में अब 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि पहले 2 मादा और 1 नर भेड़िया पकड़ा जा चुका है। भेड़िए ने कई हमले किए और अब तक 8 मासूम बच्चों की जान ले ली जबकि 1 महिला को भी शिकार बनाया। इसके अलावा 35 से ज़्यादा लोग तो घायल हो चुके हैं। बीते मार्च के महीने में हरदी थाना के मक्कापुरवा, औराही, जगीर, कोलैला, नथुआपुर, बड़रिया, नकवा, नयापुरवा समेत आसपास के कई गांवों में भेड़िए के हमले हुए थे। अब तक 8 मासूमों और 1 महिला को शिकार बनाने के बाद ये लगातार मांसाहारी होते जा रहे थे और इनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। इसीलिए प्रशासन ने न सिर्फ 4 पिंजरे लगाए बल्कि थर्मल ड्रोन से निगरानी शुरू की। 18 टीमें दिन रात गश्त करती रहीं। बीते कई दिनों से उनके पदचिन्ह भी तलाशे जा रहे थे। बीते दिनों 3 भेड़िए पकड़े गए थे। 1 भेड़िया उस वक्त चकमा देकर भाग गया था लेकिन बाद में इसे भी पकड़ लिया गया। मसही तहसील के नथुआपर में ग्रामीण लाठी डंडा और ग्रुप में लगातार घूमते नजर आ रहे हैं। अभी भी भेड़ियों का आतंक कम नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की खुद रखवाली करने के लिए लगातार पुलिस और प्रशासन मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी गांव के लोग खुद रद्द जगा करके लाउड स्पीकर से जागते रहो के नारे लगाते हैं और घर के अंदर सोने की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी उन गांवों की हैं जहां पर भेड़ियों की दहशत थी। अभी भी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि 4 भेड़िए पकड़े गए हैं तो 2 कब हमला कर दें। पंचायत, विकास, पुलिस, राजस्व, वन विभाग और तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात गश्त कर रहे हैं। ड्रोन लगाए गए हैं क्योंकि उनसे पता चल जाता है कि कोई जीव आसपास भटक रहा है। 4 भेड़िए पकड़े जाने के बावजूद भी दहशत बरकरार है। कछार में भेड़िए की संख्या को लेकर अभी भी कोई निश्चित संख्या नहीं आई है लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 2 भेड़िए अभी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भेड़िया अपने कुनबे में साथ रहता है। इसके अलावा वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि 4 भेड़िए तो पकड़े गए हैं, 2 भेड़ियों को भी जल्द पकड़ा जाएगा लेकिन कब तक ये अभी भी रहस्य का विषय बना हुआ है और अभी भी टीमें जंगल में ही कॉम्बिंग कर रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।